दिस इज ज्योति जागेटिया. एज वी हैव डिस्कस्ड अबाउट व्हाट इज डेसिमल नंबर्स एंड हाउ टू मल्टीप्लाई टू डेसिमल नंबर्स, हाउ टू राइट डेसिमल नंबर्स इन एक्सपांडेड फॉर्म, मैंने आपको ये सारा प्रीवियस वीडियोस में बताया है स्टूडेंट्स, एंड आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा. नाउ टुडे वी विल डिस्कस अबाउट हाउ टू डिवाइड टू डेसिमल नंबर्स. यानी कि जैसे हम लोग नॉर्मल नंबर्स को डिवाइड करते हैं ना स्टूडेंट्स, वैसे ही कोई भी टू डेसिमल नंबर्स अगर आपको गिवन है तो उनको आप कैसे डिवाइड करोगे स्टूडेंट्स. सो जैसे मैंने आपको मल्टीप्लाई में बताया था कि कोई भी टू डेसिमल नंबर्स को आप मल्टीप्लाई कैसे करते हो, पहले मैंने आपको बताया था कि उनको आपको नॉर्मल मल्टीप्लाई करना है विदाउट डेसिमल, और फिर जो आंसर आएगा आपका फाइनल उसमें आपको डेसिमल पुट करना है यानी कि पॉइंट लगाना है. तो इसी तरह से डिवाइड में भी आप वैसे कर सकते हो स्टूडेंट्स, कि पहले आप डिजिट ले लो नॉर्मल और उसको डिवाइड कर लो और फिर डेसिमल आप पुट कर सकते हो. तो जैसे हम इसका अगर आपको वैसे करना हो स्टूडेंट्स तो आप वैसे भी कर सकते हो, या फिर आपको डेसिमल रिमूव करके करना हो तो वैसे भी करते हैं. तो मैं आपको बता देती हूँ कि डेसिमल रिमूव करके हम कैसे करेंगे. तो जैसे मैंने आपको स्टूडेंट्स बताया होगा, अगर आपको डेसिमल रिमूव करना है तो कैसे करोगे, तो डेसिमल रिमूव करने के लिए डेसिमल के बाद जितनी डिजिट्स होती है ना स्टूडेंट्स, नीचे उतने ही जीरो आएंगे. तो जैसे हम पहले 142.1 ऊपर है ना स्टूडेंट्स न्यूमरेटर में, पहले इसका डेसिमल रिमूव करेंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 1421. अब डेसिमल यहाँ पर नहीं लगेगा स्टूडेंट्स, क्योंकि हम लोग डेसिमल रिमूव कर रहे हैं. अब डेसिमल के बाद यहाँ पे कितने डिजिट्स है स्टूडेंट्स, ओनली 1 है, तो इसमें यहाँ पे नीचे क्या आएगा, 10 है ना स्टूडेंट्स. अब ये तो स्टूडेंट्स ऊपर है ना डिजिट, इसलिए इसका जो 10 या 100 जो भी है वो डिनोमिनेटर में ही आएगा. लेकिन अब आपको सेकेंड डिजिट दिख रही है स्टूडेंट्स, ये कहाँ है स्टूडेंट्स, इसके डिवाइड में है ना स्टूडेंट्स. अब इसके डिवाइड में लिखेंगे 0.07. अब इसमें डिजिट क्या है स्टूडेंट्स, 7 है ना, तो हमको डेसिमल रिमूव करना है इसका. तो कितने डिजिट छिपाना पड़ेगा, अगर डेसिमल रिमूव करना है और डिजिट लिखनी है तो कितने डिजिट छिपाना पड़ेगा आपको, 2 डिजिट छिपाना पड़ेगा ना, क्योंकि यहाँ पे तो कोई डिजिट ही नहीं है, यहाँ पर है तो यहाँ तक तो आना ही पड़ेगा आपको, 1 and 2, यानी 2 डिजिट छिपाओगे तो ऊपर तो क्या आएगा स्टूडेंट्स, 7, और 2 डिजिट छिपोए हो इसलिए नीचे कितने जीरो आएंगे स्टूडेंट्स, 20, तो यहाँ पे आ जाएगा 100 है ना स्टूडेंट्स. अब स्टूडेंट्स देखो इसमें हमको कैसे करना है, 1421 है ना स्टूडेंट्स. अगर कभी भी फोर चीजें जैसे डिवाइड के भी डिवाइड में और उसके भी डिवाइड में, तो ये जो फर्स्ट और फोर है ना स्टूडेंट्स, ये डिजिट हमेशा मल्टीप्लाई हो जाती है. जो फर्स्ट और फोर डिजिट है ना स्टूडेंट्स, फर्स्ट और फोर्थ, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगी ऊपर, और जो 10 और 7 है वो डिजिट होंगी नीचे डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई होंगी. ऐसे 1421 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 10 मल्टीप्लाई 7. जैसे इसके डिवाइड में तो ये है स्टूडेंट्स और इसके भी डिवाइड में ये, लेकिन ये जो पूरा टर्म है 7 upon 100 वो पूरा इस वाले के डिवाइड में है ना स्टूडेंट्स. तो हमेशा ध्यान रखना फर्स्ट और फोर वाला मल्टीप्लाई होता है ऊपर और सेकेंड और थर्ड टर्म जो है वो नीचे मल्टीप्लाई होता है डिनोमिनेटर में. अब स्टूडेंट्स देखो आपको दिख रहा है कि 10 से 10 तो कैंसिल हो जाएगा है ना स्टूडेंट्स. अब आपको दिख रहा है कि 1421 और 10 क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, ऊपर दोनों है तो ऊपर दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 1420 10 से मल्टीप्लाई करोगे इसको और अपॉन में क्या है स्टूडेंट्स, 7. अब इसको अगर आप डिवाइड करते हो तो आपका आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स 2030. आप अपनी रफ कॉपी में डिवाइड करके देख सकते हो स्टूडेंट्स, इफ यू विल डिवाइड 14210 बाय 7 देन यू विल गेट द आंसर 2030 है ना स्टूडेंट्स. इसमें डेसिमल में आंसर नहीं आ रहा है क्योंकि यहाँ पे 10 से 10 कैंसिल हो गया था स्टूडेंट्स और 10 तो ऊपर है ना, इसलिए इस हिसाब में मल्टीप्लाई हो गया, इसलिए आपका नॉर्मल फॉर्म में ही आंसर आया. हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं स्टूडेंट्स, जिसे कि आपको डिवाइड करना है 5.134 डिवाइड बाय 1.7. इसमें भी हम लोग डेसिमल रिमूव करके करते हैं स्टूडेंट्स, सो 5134. और स्टूडेंट इसके डेसिमल रिमूव करना है तो डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स है स्टूडेंट्स, 3 डिजिट्स है ना, तो नीचे कितने जीरो आएंगे इसमें, 3 0 आएंगे राइट. और अपॉन में 1.7 है तो इसका डेसिमल रिमूव करेंगे तो डिजिट क्या बन जाएगी, 17. और अपॉन में क्या आएगा स्टूडेंट्स, जस्ट लाइक मैंने आपको बताया था डेसिमल हटाना है आपको, अगर डेसिमल रिमूव करना है तो डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 1 डिजिट है तो कितने जीरो आएंगे, 10. अब सेम प्रोसेस जैसे कि हमने प्रीवियस एग्जांपल में देखा है, अभी फर्स्ट और फोर्थ वाला मल्टीप्लाई होगा और सेकेंड और थर्ड का, सो 5134 मल्टीप्लाई 10 अपॉन 1000 मल्टीप्लाई 17. अब 10 से 10 कैंसिल स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट 100 जो है
डिवाइड में, तो इसको अभी डिवाइड में रहने दो। अब इसका जो भी आंसर आएगा वो आपके डेसिमल फॉर्म में आएगा क्योंकि डिनोमिनेटर में 100 बचा हुआ है। बताया था मैंने कि डेसिमल अगर हम हटाते हैं तो जितने डिजिट डेसिमल डेसिमल के बाद जितने डिजिट होती हैं आप नीचे उतने जीरो पुट करते हो, तो सेम वे नीचे जितने जीरो होते हैं उतनी ही डिजिट के पहले डेसिमल लगता है ना स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर 100 है, दैट मीन्स कि आपका जो आंसर आएगा वो डेसिमल नहीं है। अब आपको स्टूडेंट्स यहाँ पर डिजिट दिख रही है 5.34 और 17 की, तो है स्टूडेंट्स। तो पहले आप क्या करोगे स्टूडेंट्स, पहले इन दोनों नंबर्स को डिवाइड कर लो, है ना, इन दोनों नंबर्स को डिवाइड कर लो और फिर जो आंसर आएगा उसमें डेसिमल पुट कर देना ये 100 को लेकर। कैसे, जैसे हम डिवाइड करते हैं 5.34 इसको डिवाइड कर दें 17 से, 17 थी ना 51 20 अभी 3 यहाँ पे आएगा। अब 17 की डिवाइड 3 तो आएगा नहीं ना स्टूडेंट्स, और जब भी स्टूडेंट्स आप अगर थर्ड डिजिट यहाँ पे पुट करते हो तो यू हैव टू पुट 0 हियर, क्योंकि हमने यहाँ पे थर्ड डिजिट लिखी है ना स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आपको 0 पुट करना पड़ेगा। अब ये 14 लिखी है यहाँ पे, तो 17 2 34 आप इजीली डिवाइड कब कर सकते हो स्टूडेंट्स, जब आपको टेबल्स एकदम अच्छे से क्लियर होनी चाहिए आपके माइंड में तभी आप कर सकते हो। तो आपका आंसर क्या है स्टूडेंट्स, एग्जैक्ट डिवाइड हो गया ना, ये 302 आंसर आया। आप 5.34 को 17 से डिवाइड करते हो तो यू विल गेट द आंसर 302। तो हम ऊपर लिखेंगे 302 और अपॉन में क्या आएगा स्टूडेंट्स 100। अब स्टूडेंट 17 नहीं आएगा याद रखना, क्योंकि हमने इसको इसे डिवाइड कर लिया है ना, तभी तो आंसर मिला है 302। और नीचे कितनी जीरो है स्टूडेंट्स, 20 है, तो कितने डिजिट के पहले डेसिमल लगेगा, जितने जीरो नीचे होता है उतने ही डिजिट के पहले डेसिमल लगेगा, तो नीचे 20 है तो 2 डिजिट के पहले डेसिमल लगा लो 1 2, इससे पहले डेसिमल लग जाएगा तो आपका आंसर हो गया 3.02। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको डिवाइड कैसे करना है जो 2 डेसिमल नंबर दिए हैं ये आपको समझ में आया। अब हम देखेंगे कि वर्ड प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है, और जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि आप 2 डेसिमल नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हो, सेम वे आप 10 और 100 से मल्टीप्लाई कैसे करते हो वो भी मैंने आपको बताया था। तो सेम वे हम देखेंगे कि जब 10 और 100 से डिवाइड करना होता है तब आप डिवाइड कैसे करोगे। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने अभी 2 एग्जाम्पल्स देखे थे कि 2 डेसिमल नंबर्स को कैसे डिवाइड करते हैं। अब हम देखेंगे कि 2 डेसिमल नंबर को अगर आपको 10 या 100 से डिवाइड करना है तो कैसे करते हैं। तो जैसे कि स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में कि जब अपन मल्टीप्लाई करते हैं डेसिमल नंबर को 10 या 100 या 1000 या कोई भी जीरो वाले नंबर से, तो हम लोग क्या करते थे स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई में हम लोग राइट में शिफ्ट होते थे ना, जैसे यहाँ है तो हम लोग राइट में शिफ्ट होते थे। और कितने डिजिट शिफ्ट होते थे, जितने जीरो से वो मल्टीप्लाई होता था उतने ही डिजिट हम लोग शिफ्ट होते थे। तो आपको वही प्रोसेस करना है, बट डिवाइड में क्या करना है स्टूडेंट्स, आपको मल्टीप्लाई में हम राइट में शिफ्ट होते हो, डिवाइड में आपको लेफ्ट में शिफ्ट होना है, और जितने जीरो से डिवाइड हो रहा है उतने डिजिट लेफ्ट में शिफ्ट होना है ना, ये डायरेक्ट वे स्टूडेंट्स। और बाकी आप वैसे भी कर सकते हो कि डिवाइड के फॉर्म में भी कर सकते हैं, मैं वो भी बता दूंगी आपको भी। तो डिवाइड में तो वो कहाँ शिफ्ट होना है स्टूडेंट्स, लेफ्ट में, और कितने डिजिट शिफ्ट होना है, जितने जीरो से डिवाइड हो रहा है। जैसे कि देखते हैं अगर आपको डायरेक्ट आंसर लिखना हो, जैसे आपको कभी ब्लैंक्स दे दिया या ट्रू फॉल्स दे दिया तो आप उसमें सॉल्व करने बैठोगे क्या स्टूडेंट्स, आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा इसमें, तो आपको डायरेक्ट ये चीज़ आनी चाहिए। तो अब हम देखते हैं जैसे 48.75 अपॉन में 100 लिख सकते हैं ना स्टूडेंट्स, डिवाइड तो अपॉन में 100 लिख सकते हैं। अब कितने जीरो से डिवाइड हो रहा है स्टूडेंट्स, 20 से, यू कैन सी हियर 20 से डिवाइड हो रहा है, तो हमको लेफ्ट में शिफ्ट होना है। कितने डिजिट शिफ्ट होंगे स्टूडेंट्स, 2 डिजिट, बिकॉज 2 जीरोज आर हियर, तो आप 2 डिजिट। और आपको शिफ्ट कहाँ से होना है स्टूडेंट्स, जहाँ आपका ऑलरेडी पॉइंट लगा है ना वहीं से शिफ्ट हो गया 2 डिजिट, तो यहाँ पॉइंट लगा हुआ है हमारा, अब यहाँ से 2 डिजिट शिफ्ट होगा 1 2, तो पॉइंट लग जाएगा 4 से पहले, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा 0.4875, ये हुआ आपका आंसर। समझ में आया स्टूडेंट्स, ध्यान रखना हमेशा डिवाइड में आपको लेफ्ट में शिफ्ट होना है, और जितने जीरो से डिवाइड हो रहा है उतनी ही डिजिट आपको लेफ्ट में शिफ्ट होना है, और जहां पॉइंट लग रहा है वहीं से शिफ्ट होना है आपको, लास्ट डिजिट से नहीं होना। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, दे रखे आपको 35.8 डिवाइड बाय 10, यानी कि 35.8 डिवाइड बाय 10 है स्टूडेंट्स, कितने जीरो से डिवाइड हो रहा है स्टूडेंट्स 10, तो कितने डिजिट शिफ्ट होंगे आप लोग, ओनली 1 डिजिट, तो पॉइंट यहाँ पे है तो 1 डिजिट शिफ्ट हो जाएगा, तो पॉइंट कहाँ आ जाएगा स्टूडेंट्स 5 से पहले, यानी कि 3.58 ये हो जाएगा आपका आंसर। स्टूडेंट्स मैंने
100। अब नीचे कितने जीरो होते हैं, हम लोग अपनी डिजिट के पहले डेसिमल लगाते हैं ना स्टूडेंट्स, तो नीचे कितने जीरो है स्टूडेंट्स, 20 है, इसलिए 2 डिजिट के पहले डेसिमल लगाओगे, सो 1 2, तो 3.58। नाउ यू कैन सी यहां और यहां आंसर वाला क्या है स्टूडेंट्स, सेम आया है ना, आप चाहे इस मेथड से करो या इस मेथड से, दोनों में आंसर सेम आएगा, बस ये कि इसका डायरेक्टली आंसर लिख सकते हो, बस आपको थोड़ी सी अवेयरनेस की जरूरत होती है। अब फ्रेंड्स हम लोग एक वर्ड प्रॉब्लम देखते हैं, जैसे कि क्या है वर्ड प्रॉब्लम, अ कार टेक्स 3.2 आवर्स टू कवर 132.8 किलोमीटर, यानी कि एक कार को स्टूडेंट जना जैसे हम कार से ट्रैवल कर रहे हैं तो उसको 132.8 किलोमीटर कवर करने के लिए कितना टाइम लग रहा है स्टूडेंट्स, 3.2 आवर्स लग रहे हैं, तो वो बोला कि फाइंड द डिस्टेंस इट कैन कवर इन 1 आवर। अब फ्रेंड्स आपको प्रीवियस क्लासेस में पढ़ के आए हो और इनफैक्ट आपको चाइल्डहुड से पढ़ रहे हो कि कभी भी आपको 1 का दे रखा होता है और ज्यादा के लिए पूछता है तो आप लोग क्या करते हो, मल्टीप्लाई करते हो, तो सेम वे ज्यादा के लिए दिया हुआ है और 1 के लिए पूछ रहे हैं तो आपको क्या करना होता है स्टूडेंट्स, डिवाइड करना होता है, तो आपको 3.2 आवर्स दे रखे हैं टोटल 132.8 किलोमीटर के लिए, तो बोल रहे हैं कि कार जो है 1 आवर में कितना डिस्टेंस कवर करेगी, यानी कि 3.2 आवर्स में इतना डिस्टेंस कवर कर सकती है, तो 1 आवर में कितना करेगी स्टूडेंट्स, तो क्या करेंगे हम लोग स्टूडेंट्स, ज्यादा का दे दिया है मैंने आपको और फिर 1 का पूछ रहे हैं, सो व्हाट यू विल डू, वी विल डिवाइड, तो स्टेटमेंट क्या बनेगी स्टूडेंट्स, डिस्टेंस कवर्ड इन, डिस्टेंस कवर्ड इन 3.2 आवर्स कितना है स्टूडेंट्स, 132.8 किलोमीटर, सो अब आपको फाइंड क्या करना है, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 आवर, 1 आवर का निकालना तो डिवाइड करेंगे हम लोग 132.8 को डिवाइड करेंगे 3.2। अब स्टूडेंट्स मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि अगर आपको डेसिमल नंबर्स को डिवाइड करना है, कोई भी 2 डेसिमल नंबर्स को डिवाइड करना है तो आप कैसे करोगे स्टूडेंट्स, बताया था मैंने आपको, तो आपको ये 2 डिवाइड करना है और अगर आप डिवाइड करते हो तो आपको इसका आंसर मिलेगा स्टूडेंट्स 41.5 किलोमीटर, दिस विल बी योर आंसर, ये डिवाइड आपको कॉपी में ट्राई करोगे, जो दोनों मेथड्स मैंने आपको बताए हैं स्टूडेंट्स, डेसिमल रिमूव करके करने वाला और यहाँ पे पहले नॉर्मल नंबर्स को ले लो और डिवाइड करो, फिर जो आंसर आएगा उसमें डेसिमल आपको पुट करना है, सो आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को मैंने जो भी डेसिमल्स वाले चैप्टर में जो भी पढ़ाया वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, नाउ वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर नंबर 3 दैट इज डेसिमल्स, सो थैंक यू।